पे, क्योंकि वी मार्ट रिटेल को लेकर एक अपडेट आया है जहां पे कंपनी ने एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस कंपनी जिसका नाम है लाइम रोड उसका अधिग्रहण किया है। 31 करोड़ में ये पूरी डील हुई है और वी मार्ट की अगर बात करें तो आने वाले समय में करीब 150 करोड़ कंपनी जो है अपने एक्सपेंशन प्लान्स के लिए उपयोग करेगी। आइए इस खबर पर और बातचीत करते हैं और कंपनी से जानते हैं क्या कुछ आगे के लिए ग्रोथ आउटलुक नजर आ रहा है, फेस्टिव की सेल्स कैसे देखने को मिल रही है इस बार। और बात करने के लिए वी मार्ट रिटेल के फाउंडर और एमडी ललित अग्रवाल अब हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग ललित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पे। सबसे पहले तो आपसे इस डील के ही मायने जानेंगे कि जो ये डील आपने करी है, लाइम रोन का अधिग्रहण किया है, एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है ये और वी मार्ट के हम ऑफलाइन स्टोर्स देखते हैं, क्या इस अधिग्रहण से हम एग्रेसिवली आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी ग्रो होते हुए देखेंगे, क्या कुछ सिनर्जी बेनिफिट्स आप इसमें देख रहे हैं? देखिए, आज भारत की जनता जो है, जो नीचे की जनता है, जो भारत में रहती है, वो जनता अभी पूरी तरफ से ऑनलाइन पे अभी पूरा विश्वास आया नहीं है और ऑनलाइन पे पूरी अडॉप्शन नहीं आई है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली ऑनलाइन पे अडॉप्शन सबके आ जाएगी। तो हमारा हमारा मानना है कि हमारी जो दुकानें 410 दुकानें पूरे 27 स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती है, तो इन दुकानों में हमारे पास 3 करोड़ कस्टमर आते हैं लाइव हर समय, तो 3 करोड़ रजिस्टर्ड कस्टमर है और हर साल नए कस्टमर और ऐड होते हैं, तो ये कस्टमर में बहुत लोग अभी तक ऑनलाइन चेक नहीं किए। तो ओमनी चैनल ही फीचर है आगे का, जिसमें लोग कुछ लोग 4 बार जो है ऑफलाइन खरीदेंगे तो 1 बार ऑनलाइन खरीदेंगे या 2 बार ऑनलाइन खरीदेंगे, तो वो जो कस्टमर को सीमलेस एक्सपीरियंस देना है विद द कॉन्फिडेंस विद द क्वालिटी, तो वो हमारा मकसद है कि अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छा प्रेजेंटेशन, अच्छी डिजाइनिंग, अच्छी UI UX एंड अच्छा प्रोडक्ट और अच्छा एक्सपीरियंस इन स्टोर, जिससे कि कस्टमर कभी मन करा अंदर ले लिया, कभी मन करा बाहर ले लिया, और जो स्टोर पे आते हैं उनको भी बहुत वैरायटी देखने मिले, वो हमारा मकसद है। तो इसीलिए हमने ये एक्विजिशन किया है, ये बहुत अच्छी टीम हमने एक्वायर करी है, बहुत अच्छी टीम, बहुत अच्छा काम कर रही थी और ये इस काम को कंटिन्यू करने के लिए हम इस बिजनेस को एक्वायर किए। जी बिल्कुल, लाइम रोन तो काफ़ी फेमस कंपनी है, पर आपके अगर बात करें तो अगले 2 से 3 साल में जो है आप 150 करोड़ इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, क्या हम जान सकते हैं कि कौन से ऐसे की फोकस एरियाज रहेंगे जहां पे आप ये अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे? ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा होगा वो कुछ तो उनकी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी है जिसको हम चुकाएंगे, और बाकी जो इन्वेस्टमेंट होगा वो पूरा जो मार्केट में उसको बिजनेस को स्केल अप करने के लिए, उसकी टेक्नोलॉजी को और बेटर करने के लिए, ओमनी चैनल का वर्टिकल बिल्ड करने के लिए और थोड़ा कस्टमर एक्वायर करने के लिए और मार्केटिंग करने के लिए उसके अंदर थोड़ा बिल्ड होगा। बिकॉज आप सब जानते हैं कि अभी जो इंडिया में जो भी ऑनलाइन का मॉडल है वो अभी बहुत प्रॉफिटेबल नहीं है, बट ये बहुत जरूरी है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर कैपेबिलिटी डेवलप करने के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और कस्टमर जो आज ऑनलाइन है, जो आज डिजिटल फर्स्ट कस्टमर है, जो मिलेनियल है, उसको एक्वायर करने के लिए। तो इसीलिए हम वो पैसे थोड़े लगाएंगे जिससे कि 2 साल तक हम पैसे लगाएं और 2 साल बाद ये प्रॉफिटेबल बन जाए। ओके, तो लाइम रोन की कुछ ऑलरेडी लाइबिलिटीज हैं उसको वापस करने के लिए और साथ ही एक्सपेंशन के लिए इस राशि का प्रयोग होगा। पर ललित जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं और फेस्टिव सीजन है, दिवाली सेल्स जोरों शोरों से चल रही हैं, 2 साल के बाद जो इस बार कोविड के बाद हम ये दिवाली देख रहे हैं, क्या कुछ माहौल है और किस तरीके का फुटफॉल है, क्या ग्रोथ और क्या कुछ नंबर्स आते हुए हम देख सकते हैं इस दिवाली सीजन से? सब अच्छा है मैम, अभी मैं बहुत ज्यादा करंट के लिए नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन बहुत अच्छा है, मार्केट अच्छी ग्रो कर रही है। डेफिनेटली अभी भी मार्केट में थोड़ा सा स्ट्रेस है प्री कोविड से कंपेयर करेंगे तो, नीचे भारत वाली जनता में, क्योंकि भारत वाली जनता जो कम कमाता है वहाँ इन्फ्लेशन की मार बहुत ज्यादा है, तो वहाँ थोड़ा सा स्ट्रेस है, बट फिर भी सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है। ओके, तो दिवाली का पूरा मूड और माहौल हमें बाजारों में भी देखने को मिल रहा है, रौनक बरकरार है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दिवाली की आपको और आपके पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। तो ये थे ललित अग्रवाल, वी मार्ट के फाउंडर, जहां पे उन्होंने बताया कि कैसे कंपनी ऑनलाइन मार्केट प्लेस में ग्रो करने की पूरी स्ट्रैटेजी बना रही है और साथ ही इस बार फेस्टिव सीजन कैसे देखने को मिल रहा है और स्टॉक में अगर हम देखें तो करीब